शाउट आउट हमारे डेडिकेटेड ऑडियंस के लिए जिन्होंने हमारा जो चेक्स का प्रैक्टिस का वीडियो था वो देख के प्रैक्टिस की, हमारे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर भी किए और हमें टैग भी किया। थैंक यू वेरी मच। आपको मेहंदी सीखने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये हमारा विश्वास है। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, कोई भी सरप्राइज नहीं है, टाइटल में लिखा ही है गल्फ एलिमेंट। हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। हम सरप्राइज बनाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन टाइटल में ही सब कुछ लिखा हुआ होता है तो सरप्राइज का है कि चलिए आज हम गल्फ एलिमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं और गल्फ एलिमेंट अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। मेरे खुद के पसीने ये छुटवा चुका है। गल्फ एलिमेंट आता था और मेरे पसीने छूटते थे और मुझसे बनाया नहीं जाता था। मैं जब भी गल्फ एलिमेंट की प्रैक्टिस करने बैठती थी मैं फ्रस्ट्रेट होके खड़ी हो जाती थी क्योंकि वो मुझसे होता ही नहीं था। लेकिन एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं इसको हरा कर रहूँगी और तब जाके बहुत पेशेंस के साथ, बहुत धीरज से मैंने एक टेक्निक डेवलप की जो मेरे लिए वर्क कर गई। और जिस दिन वो मेरे लिए वर्क कर गई मैंने सोचा मेरे जैसे बहुत सारे होंगे जो इस एलिमेंट से फ्रस्ट्रेट होते होंगे, तो चलिए उनकी लाइफ भी आसान कर देते हैं। और इसीलिए मैंने वो टेक्निक सबके साथ शेयर की। अगर आपने हमारा वो पॉपुलर वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लीजिए, अगर आप भी मेरी तरह फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो। टेक्निक बहुत इम्पॉर्टेंट है तो आप वो वीडियो देखिए, टेक्निक सीख लीजिए, टेक्निक थोड़ी मास्टर हो जाए उसके बाद वापस यहाँ पर ज़रूर आना, भूलना मत, और हमारे साथ ये गल्फ एलिमेंट की प्रैक्टिस करना। तो चलिए, जब हम टेक्निक को इतना महत्व देते हैं तो गल्फ एलिमेंट में टेक्निक कौन सी लगती है, कौन सी टेक्निक का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? गल्फ एलिमेंट में लगती है प्रेशर कंट्रोल की टेक्निक। प्रेशर कंट्रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बढ़िया वाले, खूबसूरत वाले, ज्यूसी गल्फ एलिमेंट बनाने के लिए। प्रेशर कंट्रोल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कब प्रेशर बढ़ाना है, कब प्रेशर कम करना है, और वो भी मूवमेंट के साथ। अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो गल्फ एलिमेंट का जो लुक आना चाहिए वो नहीं आता और फ्रस्ट्रेशन वहीं पर होती है। तो इसीलिए प्रेशर कंट्रोल को मास्टर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप चाहो, जैसे मेरे अपने टेक्निक वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि गल्फ के जो एलिमेंट हैं आप ट्रेडिशनल जो टेक्निक है पहले शेप बनाकर उसको फील कर दो, उस तरह से भी बना सकते हो, या तो आप गल्फ टेक्निक जहाँ पर हम प्रेशर कंट्रोल का इस्तेमाल करते हो वैसे भी बना सकते हो। ये पूरी प्रैक्टिस में मैंने कई जगह पर ट्रेडिशनल टेक्निक इस्तेमाल की है और कई जगह पर गल्फ टेक्निक इस्तेमाल की है। मैं एलिमेंट के हिसाब से डिसाइड करके टेक्निक इस्तेमाल करती हूँ अपनी सहूलियत से, तो आप वो कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर बार गल्फ एलिमेंट गल्फ टेक्निक से माने के प्रेशर कंट्रोल से ही बनाना चाहिए, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। दूसरी जो चैलेंजिंग बात है गल्फ एलिमेंट को लेके वो है उसका अरेंजमेंट। जी हाँ, डिफरेंट डिफरेंट गल्फ एलिमेंट को अरेंज करके जो हम एक पूरा डिज़ाइन, एक मोटिफ बनाते हैं ना, वो बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि गल्फ एलिमेंट में एक फ्लो है, इतना स्ट्रक्चर नहीं है। जब हम ट्रेडिशनल वे मोटिफ बनाते हैं ना तो शेप्स, बड़े बड़े शेप्स आते हैं तो एक स्ट्रक्चर उसको मिल जाता है। तो गल्फ एलिमेंट में आपको फ्लो को ध्यान में रखते हुए अरेंजमेंट करना होता है। मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग ये बात अभी भी हो जाती है, कई बार मैं उस फ्लो को फॉलो नहीं कर पाती और इसीलिए डिज़ाइन में गड़बड़ी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आप किस तरह से
गल्फ एलिमेंट को इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हाउ टू यूज़ गल्फ एलिमेंट। गल्फ एलिमेंट आप मेन मोटिफ के तौर पर पूरा उसका एक पंच बना के भी इस्तेमाल कर सकते हो, और या तो आप डेकोरेटिव एलिमेंट के तौर पर, माने कि आपकी मेन डिज़ाइन में कहीं जगह पर छोटे छोटे एलिमेंट, आप जो डेकोरेटिव एलिमेंट्स डालते हो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिलर डिज़ाइन में जहाँ आप लेयर फिलर कर रहे हो, दूसरे फिलर डेलिकेट एलिमेंट यूज़ करते हो, तो उसको कॉन्ट्रास्ट देने के लिए आप गल्फ एलिमेंट, जैसे कि बेल आती है, या तो फिर गल्फ एलिमेंट के जो गुच्छे होते हैं, लीव्स होते हैं, उसको आप कंबाइन करके डिज़ाइन में कॉन्ट्रास्ट लाने के लिए गल्फ एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। तीन जगह मैंने बताई, मेन मोटिफ में आप इस्तेमाल कर सकते हो एज अ मेन मोटिफ, दूसरा डेकोरेटिव एलिमेंट के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, डिज़ाइन को वो एंडिंग करते हैं, या तो डिज़ाइन में इधर उधर एक एम्बलिशमेंट के तौर पे आप डेकोरेटिव एलिमेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या तो फिर आप फिलर एलिमेंट के तौर पर डिज़ाइन में कॉन्ट्रास्ट लाने के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तीन उसके मेन यूज़ हो जाएंगे। किस तरह की मेहंदी की डिज़ाइन में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फुल फ्लेज गल्फ स्टाइल खलीजी स्टाइल मेहंदी बनाते हो जहाँ पर बोल्ड एलिमेंट से पूरी डिज़ाइन भरी हुई होती है, तब तो वो गल्फ एलिमेंट से ही बनेगी। आप अरबिक डिज़ाइन जो हम बनाते हैं जिसमें शेप्स बड़े होते हैं, इंट्रिकेट फिलर होते हैं, लेकिन साथ में आप गल्फ एलिमेंट डाल के उसको डिज़ाइन में कंबाइन कर सकते हो, और ट्रेडिशनल जो हमारी मेहंदी स्टाइल होती है वहाँ पे भी आप डिज़ाइन में कॉन्ट्रास्ट लाने के लिए, जैसे मैंने कहा, आप गल्फ एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हो। क्या क्या चीज़ें आपको गल्फ एलिमेंट बनाते वक्त ध्यान में रखनी है वो भी हम देख लेते हैं, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी आसान हो जाए। गल्फ एलिमेंट में कोन बहुत ही वेस्ट होते हैं, मेहंदी बहुत ही वेस्ट होती है। कई बार लोग पूछते हैं कि आप कोन चेंज करते हो, बड़े वाले छोटे वाले कोन यूज़ करते हो? नहीं, मैं एक ही कोन यूज़ करती हूँ, और जहाँ तक मैं जानती हूँ बहुत सारे मेरे जैसे आर्टिस्ट हैं वो भी एक ही कोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम टेक्निक प्रेशर कंट्रोल प्रेशर बढ़ाते हैं इसलिए ज़्यादा मेहंदी निकलती है। लेकिन जब आप प्रेशर बढ़ाते हो, स्पीड कम करते हो, तब जाके आप वो परफेक्ट गल्फ एलिमेंट निकाल पाते हो। तो इसीलिए कोन की टिप परफेक्ट होनी चाहिए, कोन की पेस तो बढ़िया होनी ही चाहिए, लेकिन जो आप फ्लो आए डिज़ाइन में जब आप प्रेस करो कोन को, तो पेस्ट बहुत ही स्मूथली कोन से निकलनी चाहिए। तो इसीलिए बढ़िया वाला कोन होना चाहिए। यस, जब आप प्रैक्टिस करते हो मेहंदी बहुत ही वेस्ट होती है, तो इसीलिए आप पुराने कोन से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ी नीटनेस कम आएगी, लेकिन एटलीस्ट आपका जो प्रेशर कंट्रोल का जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगा। छोटे छोटे एलिमेंट्स से शुरुआत करो, जैसे कि बेल है, फिर लीव्स का जो गुच्छा है, कॉफ़ी बीन्स लीव्स है, स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स हैं जो हम फ्रिल फ्लावर बना के उसके ऊपर पेटल बनाते हैं, उस तरह के गल्फ फ्लावर है सिंपल वाले। तो इस तरह के जो गल्फ के सिंपल सिंपल एलिमेंट्स हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, उससे आप प्रैक्टिस शुरू करो। एक बार वो आपके शार्प बनने लगे, अच्छा बनने लगे, उसके बाद जाके आप बड़े वाले जो एलिमेंट है, ज़्यादातर जो हम गुच्छा बनाते हैं, मोटिफ बनाते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, तो धीरे धीरे आप वो एलिमेंट उसके अंदर ऐड करते जाओ, और फिर जाके आप बहुत ही बोल्ड वाले जो फ्लावर्स हैं और बोल्ड वाले जो एलिमेंट है गल्फ के, वो प्रैक्टिस करो। स्लोली स्टार्ट करोगे, अपनी टेक्निक को बिल्डअप करोगे, तो फिर गल्फ एलिमेंट से इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, विश्वास रखिए। ज़्यादातर जो एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं, मैक्सिमम जो गल्फ एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं वो है डॉट्स। जी हाँ, मैं डॉट्स भी गल्फ एलिमेंट में ही लूँगी, क्योंकि वो प्रेशर कंट्रोल से बनते हैं। लीव्स जो हम 3-5 लीव्स के गुच्छे बनाते हैं, वो
बेल, जी हाँ, बेल एक्चुअली बहुत जगह पर इस्तेमाल होती है और बेल में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, तो हो सके तो बेल का आप बहुत प्रैक्टिस करो। बेल की प्रैक्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो मेन डिज़ाइन में इस्तेमाल होती है, डिज़ाइन को एंडिंग करने के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, फिर वो फिलर के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, तो बेल का मैक्सिमम इस्तेमाल होता है, इसलिए आप बेल की खूब प्रैक्टिस करो। बेल बहुत प्रकार की बनती है, मैंने यहाँ पर 3-4 प्रकार की ऑलरेडी प्रैक्टिस की है। एक बेल ऐसी होती है जहाँ पर आप बहुत सारे गल्फ एलिमेंट को मिक्स मैच करके वो बेल बनाते हो, ये मेरी सबसे फेवरेट बेल है और मैं उसका इस्तेमाल बहुत करती हूँ, स्पेशली जब मैं पार्टी मेहंदी लगा रही होती हूँ तब मैं इसका इस्तेमाल बहुत करती हूँ। वहाँ पर कुछ नहीं करना है, रैंडमली आपको डिफरेंट तरह के गल्फ एलिमेंट को इकट्ठा करके अरेंज करना है और ये ट्रस्ट मी बहुत ही यूज़फुल हो जाती है अरेबिक स्टाइल मेहंदी में, पार्टी स्टाइल मेहंदी में। चलिए, आज की प्रैक्टिस तो बहुत खूब रही, पिछले हफ्ते भी हमने बहुत इंटरेस्टिंग चेक्स प्रैक्टिस किए थे, अब जो आने वाला वीडियो है नेक्स्ट, ओहो, उसमें बहुत ही खूबसूरत सा एलिमेंट मैं प्रैक्टिस करने जा रही हूँ, बहुत ही पॉपुलर है वो, डिज़ाइन में बहुत इस्तेमाल होता है और मेरा भी फेवरेट है, तो इसीलिए आने वाली प्रैक्टिस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप ज़रूर गल्फ एलिमेंट की प्रैक्टिस कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिएगा और हमें टैग कीजिएगा ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आए उसमें हम शाउट आउट में आप लोगों को शामिल कर पाए। तो चलिए, इसी के साथ मैं वीना आर्ट पैशन से आप सबसे विदा लेती हूँ, बहुत जल्दी हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप इंस्पायरिंग एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।